कहते हैं जिनके ऊपर भगवान बजरंगबली की कृपा हो जाती है, जीवन से सभी संकटों का नाश हो जाता है। इसलिए तो बजरंगबली को संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म में रामनवमी का बेहद खास महत्व है। अप्रैल के महीने में मनाया जाने वाले सबसे बड़े पर्व में से है। इस दिन पूरे भारतवर्ष में भगवान बजरंगबली की पूजा आराधना धूमधाम से की जाती है। माना जाता है कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार 2024 का जो रामनवमी है वह 17 अप्रैल को होगा। ऐसे तो 16 अप्रैल को ही शुरुआत हो रही है, 1:23 से नवमी चढ़ रहा है और 17 तारीख को 3:14 तक नवमी रहेगा। तो शुक्ल पक्ष में उदया तिथि को लेकर के रामनवमी का पर्व त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ 17 अप्रैल को मनाया जाएगा। कुछ व्रत त्यौहार ऐसे होते हैं जो संध्या काल को लिया जाता है और कुछ उदय काल को। तो ये रामनवमी का जो त्यौहार है उदय तिथि को लेकर के ही लिया जाता है, शुक्ल पक्ष की रामनवमी। तो इसमें मुहूर्त की बात है, हनुमान जी की पूजा जो है वो विशेष करके शुभ मुहूर्त में करने से ही लाभ मिलेगा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की शुरुआत 16 अप्रैल दोपहर 1:23 से हो रही है और अगले दिन यानी 17 अप्रैल को दोपहर 3:14 को समापन हो रहा है। उदया तिथि को मानते हुए रामनवमी का त्योहार 17 अप्रैल को मनाया जाएगा। हालांकि रामनवमी के दिन भगवान हनुमान की पूजा मध्य मुहूर्त में की जाती है, इसलिए रामनवमी के दिन 11:30 से लेकर 12:32 तक शुभ मुहूर्त रहने वाला है। रामनवमी के दिन भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं हनुमान भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त थे। रामनवमी के दिन भगवान बजरंगबली की पूजा करने से भगवान राम बेहद प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की पूजा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए, ऐसा करने से भक्त के ऊपर कभी भी संकट नहीं आता है। मुहूर्त का समय जो है 11:30 से लेकर के 12:32 तक बहुत अच्छा मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त माना गया है हनुमान जी के पूजा। अब हनुमान जी के पूजा में भी विशेष फल पाने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे कि हनुमान जी को सिंदूर, जक्सन सिंदूर, चमेली तेल अति प्रिय है, तो उनका चोला जो चढ़ेगा वह चमेली तेल में ही जक्सन सिंदूर को मिलाकर चढ़ाने से फायदा होगा। अब दूसरी बात है फूल, फूल में भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि कैसा फूल। तो हनुमान जी को प्रिय फूल है लाल, लाल फूल में उड़हुल ले सकते हैं, कनेर लाल ले सकते हैं, तो लाल फूल से अति प्रसन्न होते हैं और लड्डू उनको प्रिय है। लड्डू के साथ साथ उस दिन रोट जो बनता है, हनुमान जी को रोट अवश्य भोग लगाना चाहिए। तो ये पूजा का मुहूर्त और महत्व है। हनुमान जी से आप यदि कृपा पाना चाहते हैं तो पूजा में सावधानी पूर्वक समय पर मुहूर्त पर यदि आप पूजा करते हैं तो उस पूजा का पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। लोकल 18 देवघर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी ज्योतिषाचार्य अनुसार है, लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।